यही होता है हमारा हर सुबह। मैं उठती हूँ मैं उठती हूँ और सुबह उठते हैं। सुबह मुझसे थोड़ा ज़्यादा पहले उठ जाते हैं और मुझे थोड़ा लेट होता है क्योंकि मुझे मैं सुबह रात को वीडियो एडिट करती हूँ, लेकिन फाइनल ये जो साहब है ना, ये जो बड़े साहब है, ये बड़े साहब वीडियो देखते हैं, देख के अप्रूवल देते हैं कि यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने ये नहीं दिया, कल तो रिकॉर्ड किया था, ये क्यों नहीं दिया। सो ये बड़े साहब अप्रूवल मतलब सिग्नेचर करेंगे तो आप तक वो पहुँचेगा वीडियो। आप सब लोग देख रहे हो ना वीडियो का क्वालिटी कितना अच्छा हो रहा है। इसमें दो रीज़न। फर्स्ट रीज़न है इसमें हम है, इसलिए इसका जो क्या बोलता है गरिमा है ये ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा है डायरेक्टेड बाय मी, दैट्स व्हाई द वीडियो क्वालिटी इज मोर ब्यूटीफुल। ये तो सब झूठ मूक के बोल रहे थे, मेरे से उसका ही ज़्यादा मेहनत है, मेरा मेहनत मतलब कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है। बट कोई नहीं, 9-10 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन नेट इतना स्लो है कि आज का जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही लेट हो रहा है, मतलब अपलोडिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो वीडियो कुछ ही देर में ही आने वाला है तो आप लोग वो देखना। इसका जो हमारा प्लानिंग है मतलब एक्चुअली मेरा कल का प्लानिंग था केक और पीठे वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मतलब कुछ रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि मैं कल बना देती हूँ, मतलब आज बना देती हूँ। तो इसीलिए सुबह मतलब कल ही इंग्रेडिएंट्स सुबह लाए थे ख़रीद के, और कुछ कुछ घर में ही था क्योंकि मैं मतलब केक बनाती रहती हूँ और सुबह को पसंद होता है वो केक, है ना सुबह। आज मैं जैसे केक बनाती हूँ मेरी तरीके से और शुभो का जैसे पसंद है, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, आपसे वो शेयर करूंगी, तो पसंद आपको होपफुली आपको पसंद आएगा। और पीठे में कैसे बनाती हूँ, मैंने खुद सीखा है पीठे बनाना, तो मतलब वीडियो वगैरह देख के ही मैंने सीखा था, तो मैं खुद से बनाती हूँ और शुभो को वो पसंद भी आया था। और इस बार मेरा होगा पार्टी शॉपटा एंड दूध पुली मैंने अगले साल बनाया था, लेकिन इस साल मैं पार्टी शॉपटा के लिए ट्राई करूँगी। सो अभी मैं काम कर लेती हूँ, काम करके ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ओके। सो गाइस अभी बज रहा है 4:30, दिख रहा है, हाँ अभी बज रहा है 4:30, और मेरा जो स्टफिंग वगैरह जो है मैंने वो रेडी कर दिया है और अभी मैं वो बनाने जा रही हूँ, जिसको दूध पूरी बोलते हैं, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये खाया है तो जानते ही हो कि इसका टेस्ट कैसा हेवन जैसा होता है, मतलब एक बार अगर खा लेते हो तो मतलब भूलने से भी भुलाई नहीं जाती है। सो ये रहा, ये है कोकोनट और गुड़ का मतलब जैगरी का जो मिक्स मतलब स्टफिंग होता है वो ये है, और यहाँ पर मैंने दूध पूरी का ये मतलब भी दिखाऊंगी, और ये मैं दोनों में अभी रेडी करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे रेडी करूँ। गुड इवनिंग, आज एक स्पेशल डे है हम लोग के लिए, मेरे लिए, क्योंकि आज मैं तो बहुत खाने में बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए आज हमारा घर में मिठाई हो रहा है। मिठाई नहीं, बंगाली में इसको बोलता है पीठे पूरी। ये जो विंटर का मौसम चल रहा है अभी इस टाइम पे आज होगा पीठे पूरी है। ये आज बहुत ही मेहनत कर रहा है। थोड़ा देखिए कुछ बोलो, आज देखो क्या बना रहा है, ये देखो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पूली पीठे। आज पूली पीठे हो रहा है, इसका साथ होगा पार्टी सप्टा। इसका साथ होगा आज पार्टी सप्टा। देखो बिजी है वो बनाने में, कैसे बनाते हैं देखो। कितना टाइम लगेगा बनने में? थोड़ा तो टाइम लगेगा ही।
अभी पार्टी सब हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। ये तावा है, तावा हीट हो रहा है। ये पेस्ट, एक कप पेस्ट से एक तो मैडम बना रहा है। थोड़ा मैडम को भी देखो, थोड़ा शर्मा गए। इसके ऊपर स्टफिंग चल रहा है नारियल का। How is your expression? Very happy. मतलब ये मैंने first time बनाया है और कितना सुंदर बना है मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने बनाया है ये। बहुत ही सुंदर है ना शुभो? बहुत ही सुंदर है। मैं टेस्टिंग जो किया उसमें बहुत अच्छा लगा। देख के ऐसा याद हो रहा है कि कोई एक्सपीरियंस हाथ का जो खाना होता है वैसे लग रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आज तो बहुत ही मजा आ जाएगा खाने में। खाने का बात हो रहा है तो बहुत ही मजा। सो ये है गाइस, ये है पार्टी शॉप टा और ये है दूध पुली। सो मैं इसको सर्व करके भी दिखाऊंगी आपको कि एकदम सुंदर बना है। मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ, जब तब भी सुंदर बना था और अभी भी सुंदर बना है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी पसंद है। और मैं अभी शुभ को जाके ये दूंगी, वो खाएंगे, फिर मैं भी खाऊंगी। थैंक यू। सो गाइस अभी शुभो खा लेंगे। नहीं मैं भी, मेरे लिए भी है वो, वहाँ से मैं भी खाऊंगी, लेकिन अभी शुभो खाएंगे और मैं भी खाऊंगी, तो खा के बताते हैं हम कैसा बना है। ओके जब मैंने बनाना शुरू किया था तब बज रहा था 4:30, लेकिन अभी बज रहा है, एक्चुअली मिलता है ना, तो अभी बज रहा है 5:45। तो इतना टाइम में मेरा जो मतलब हमारा जो मतलब खाना है, मतलब हम लोग खा सकते हैं, तो ऐसा कुछ बन गया है। मैं थोड़ा बहुत टेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मतलब मैंने बना है इसकी वजह से नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। ये जो खाना है तो ये मैं अभी फिनिश करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। और एक्चुअली पार्टी शॉप टा जो है वो ये है, पार्टी शॉप टा ये है। तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये जो एक पीठे बोलते हैं इसको, ये जो एक पीठे है ये सबसे नहीं बनता है। मतलब मैंने बहुत डर से बनाया था कि ये नहीं उठेगा तवे से, लेकिन आप लोग अगर लोहे की तवे यूज़ करोगे तो बहुत इजीली उठ जाएगा। और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जो है उसका मेजरमेंट थोड़ा आप ठीक रखना तो आप लोगों को हो जाएगा। और फ्राई पैन में अभी अवेलेबल है फ्राई पैन, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। देन यूज़ करके मुझे बताना, तो मैं अभी खा लेती हूँ। बाय। तो गाइज अभी है टी टाइम। मैंने पीठ वगैरह इतना खा लिया कि मेरा अभी पेट फुल है। सो अभी शुभो के लिए मैंने बना दिया है नींबू चाय। सभी नींबू खाते हैं। मतलब सुबह भी नींबू और शाम को भी नींबू। मतलब मुझे इतना नींबू पसंद नहीं है, मतलब नींबू चाय, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो मैं शुभो को कभी कभी बोलती हूँ कि शुभो प्लीज मतलब नींबू चाय अपने लिए खुद बना लो, क्योंकि मुझे उसका कलर पसंद नहीं है। मतलब चाय का एक पर्टिकुलर कलर होना ही चाहिए। हाँ
चाय का एक पर्टिकुलर कलर होना चाहिए, एक सुगंध होना चाहिए, एक स्वाद होना चाहिए जो जिसको मतलब सुन के ही लगेगा हाँ चाय है, ये चाय है। तो मतलब जिन जिन को पसंद है, एक्चुअली सॉरी मतलब जिसको पसंद होता है उसको पसंद होता ही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद। शुभ को बहुत पसंद है इसलिए मैं कभी कभी उनको बना के देती हूँ, जब उनका मन करता है तो मैं बना के देती हूँ। मैं बना के देती हूँ ना, हाँ बना के देती हूँ। तो यहाँ पर ही बैठ कर शुभ अपना डिनर कंप्लीट कर रहे, क्योंकि ये पीठे हैं तो इस वजह से उन्होंने बोला कि बाहर ठंडी है तो पीठे के लिए मैं डाइनिंग टेबल में आज नहीं गए, आज इधर ही बैठ बैठ के खा लिया। हाँ ठंडा है बहुत, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है उसके लिए। और ये तो पीठे है ये खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का वीडियो यहाँ तक ही, तो कुछ भी पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।